टाइगर श्रॉफ श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म बागी 3 की शूटिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन अब तक इस फिल्म की कहानी को लेकर हर एक डिटेल को सीक्रेट रखा गया है। पर अब फाइनली फिल्म को लेकर एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सामने आई है। दरअसल बागी 3 होगी एक साउथ इंडियन फिल्म का रीमेक। जी हाँ, सोर्सेज का कहना है तमिल मूवी वेट्टई का रीमेक हो सकती है बागी 3। प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला ने इस फिल्म के राइट्स को कुछ समय पहले खरीदा था और कहा जा रहा है इसी फिल्म के स्क्रीन प्ले को हिंदी में बागी 3 के लिए कन्वर्ट किया जा रहा है। तमिल फिल्म वेट्टई में आर माधवन, आर्या, समीरा रेड्डी और अमला पॉल नजर आए थे। फिल्म की कहानी दो भाइयों के इर्द गिर्द घूमती है। ऐसे में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रितेश देशमुख और टाइगर श्रॉफ इस फिल्म में सिबलिंग्स की भूमिका में नजर आएंगे। जहां श्रद्धा कपूर को इस फिल्म में लीड रोल के लिए साइन कर लिया गया है, फिल्म की दूसरी एक्ट्रेस को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। बागी 3 फुल ऑन एक्शन से भरपूर मूवी होगी और टाइगर श्रॉफ के साथ इस फिल्म में रितेश देशमुख भी एक्शन करते नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।